हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग यामा एफजेड एस वी फोर के बारे में। अब आपको पता है कि यामा की जो एफजेड है वर्जन 3 इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि वी फोर का काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, यामा की जो एफजेड वी फोर है आपको मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी इस बाइक को लॉन्च कर दिया गया है यामा वालों की तरफ से। अब इंडियन मार्केट में जो है ये बाइक अपकमिंग है। सो आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बाइक को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट में भाई अपनी जो एफजेड वी थ्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आज भी है, लेकिन हाँ, बाइक में आपको चेंजेस की भी ज़रूरत देखने को मिलेगी, मतलब चेंजेस की भी नीड अब बन चुकी है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉन्च हुई है वो ब्राज़ील मार्केट में लॉन्च हुई है। जी हाँ, ब्राज़ील मार्केट में इस बाइक को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। एंड मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ब्राज़ील मार्केट में भाई यामा की जो एफजेड है उसे फेजर के नाम से जाना जाता है और इंडियन मार्केट में इसे एफजेड के नाम से जाना जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के चेंजेस के बारे में कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। सो दोस्तों, आप लोग ऑफिशियल वीडियो में देख पा रहे हैं कि बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको पूरी तरीके से चेंज देखने को मिलेगा, और ये जो डिज़ाइन आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा डिज़ाइन आप लोगों को अपनी यामा की जो एफजेड 250 है उसमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले बाइक में आपको फ्रंट में LED डियरल लाइट बाइक में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मेन लाइट में आप लोगों को बाइक में सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिल रही है। हालांकि नया वाला जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना वाला डिज़ाइन है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम चीज़ें जो है अपडेट करनी पड़ती है, तो भाई इसलिए इन्होंने जो है अपडेट लाया है। बात कर ली दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक की फेयरिंग आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस बाइक की जो फेयरिंग है इससे भी यामा वालों ने चेंज किया। यामा वालों का कहना है कि हमें इस बाइक को अब थोड़ा ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाना पड़ा है, जिससे बाइक का वेट जो है वो भी थोड़ा कम हुआ है और बाइक की जो परफॉर्मेंस है उससे भी आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो अपडेट है इनका कहना है, इनकी तरफ से बाइक में किया गया है। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। अब स्पीडोमीटर में क्या अपडेट किया है आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। स्पीडोमीटर में इन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि जो गियर इंडिकेटर मिसिंग था वो इन्होंने ऐड कर दिया। फाइनली आपको पता है कि गियर इंडिकेटर इस बाइक में नहीं आता, तो इन्होंने गियर इंडिकेटर जो है इस बाइक में ऐड कर दिया है। एंड बात कर ली दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्यूल इंडिकेटर होता था वो जस्ट गियर इंडिकेटर आपके आपको बाजू में यानी कि साइड में देखने को मिला है, तो ये भी एक जो मेजर अपडेट है इनकी तरफ से दिया गया है। ये भी अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक में। और लुकिंग वाइज दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी जो है निराशा होगी। देखिए, यामा की जो एफजेड है भाई वो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बस हमें एक चीज़ की कमी लगती थी, वह है इस बाइक के इंजन की। इंजन के अलावा मुझे नहीं लगता था कि इस बाइक में कोई कमी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो नई अपडेट आई है, जो अपडेट के हिसाब से हमें इसका जो स्पेसिफिकेशन सामने आया है उसके हिसाब से हमें ये देखने को मिलता है कि आज भी आप लोगों को बाइक में जो इंजन देखने को मिला है ना, वो सेम देखने को मिल रहा है। वही 12.4 वाली PS पावर मिली है, वही 13.3 वाला जो निटम जिन टॉर्क है वो आपको बाइक में देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ है मुझे थोड़ी सी बेहतर नहीं लगी, क्योंकि यार जो मेजर अपडेट हमें चाहिए था भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो चाहिए था इस बाइक के इंजन में, और इंजन में ही इन्होंने काम नहीं किया, तो ये मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। हालांकि आपको बता दूं, अगर आप इंजन को देखें तो इंजन को जो है चेंज कर दिया गया है। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि भैया हो सकता है थोड़ा लाइट वेट बनाने के लिए किया हो, या थोड़ी सी कूलिंग परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए किया हो सकता है, कुछ ऐसे रीजन के कारण किया गया हो, लेकिन ये तो तय है कि इंजन जो पावर है वो नहीं बढ़ाई गई है, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था। इंजन पावर में लोग काम करेंगे, बट पता नहीं यार इंजन पावर ये लोग क्यों नहीं बढ़ाए, इसका पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपडेट ये लोगों को करना था। उसके बाद दोस्तों बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो बता दूं कि आप लोगों को बाइक में जिस बार जो फ्रंट सस्पेंशन मिले, यामा वालों का कहना है कि आपको थोड़े बेटर सस्पेंशन दिए हैं, थोड़े से अपडेट किए हैं ताकि आप बेहतर मतलब राइड कर सको और थोड़ा बेहतर जो है परफॉर्मेंस भी कर सको, प्लस हाँ और थोड़ा बेहतर आप कंफर्टेबल लॉन्ग टूर जा सको। तो उसको लेकर इन्होंने फ्रंट सस्पेंशन भी अच्छा दिया है, और जो रियर सस्पेंशन है वहाँ पर भी थोड़े से जो इंप्रूवमेंट है वो इस बाइक में किए गए हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के और भी कुछ अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन। आपको बता दूं, ये जब इंडियन मार्केट में आएगी तो बाइक में आपको जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन है वो भी आपको थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कौन कौन से नए ग्राफिक आते हैं। हालांकि मैंने यामा वालों को देखा है कि जब भी नई बाइक निकालते हैं तो कुछ ना कुछ नया ग्राफिक जरूर वो लोग ऐड करते हैं, चाहे वो यामा की कोई भी बाइक्स हो। तो नए ग्राफिक एंड नया जो कलर ऑप्शन है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यामा की जो एफजेड वर्जन 3 है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट हाँ V4 है तो कुछ नई आएगी, कुछ नई चीज़ें रहेगी, तो उसे भी इंडियन मार्केट में पसंद किया
जाने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, कब तक लॉन्च होगी। तो आपको बता दूं दोस्तों लॉन्च डेट निकल के आ रही है कि अगस्त मंथ तक आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें प्राइस के बारे में तो भी जो टॉप मॉडल एफजेड आती है वो आपको 1,25,000 रुपये के आसपास की एक्स रूम प्राइस आती है। बट दोस्तों ये आने के बाद अराउंड एक्स रूम जा सकती है लगभग 1,26,000 से 1,28,000 रुपीज़ के आसपास की। बाकी देखते हैं कब तक फिर आती है और क्या प्राइस में आती है। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।